अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मेरी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ को ना सिर्फ आप देख रहे होंगे बल्कि आप उससे सीख भी रहे होंगे। और एडोबी फ़ोटोशॉप पर जो लोग मतलब एक सीरियस होकर उस पर काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि getintopc.com, जी हाँ, यहाँ पर आपको उसका मैं टेक्स्ट भी दिखा रही हूँ। getintopc.com से आप एडोबी फ़ोटोशॉप CS6 को, CS3 को, या जो भी वर्जन आपको मिले आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्यू टू सम रीज़न मैं इसको इंस्टॉल करके आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज़ में किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था और मैंने ये काम करके दिखाया था, तो मेरे जो चैनल है उस पर स्ट्राइक आ गई थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि आप इलीगल काम करें, क्योंकि आपको पता होगा कि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पर हम बहुत बेबस हो जाते हैं कि हम आपकी उस तरीके से नहीं कर सकते, उस तरह से नहीं सिखा सकते जिस तरह जो है वो सिखाना चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूब की भी रिस्ट्रिक्शंस को हमें देखना होता है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलस्ट्रेटर हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप गेट इनटू पीसी से इंस्टॉल उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी दी हुई होती है, उस वीडियो को आप गौर से देखें कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, फिर उस हवाले से आप इंस्टॉल कर लें। जी, आज हम करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 26, और इस क्लास में हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा ईद ग्रीटिंग कार्ड। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा 2 महीने बाद ईद आने वाली है, और मेरी अपनी फैमिली में जो है वो 2 महीने पहले से हम लोग ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं, और कुछ नहीं तो हम लोग अपने जो कपड़े हैं वो सिलवा देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा टेलर्स के नखरे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो जनाब, नखरे ना मैं हम खुद करते ना किसी के बर्दाश्त करते, तो इसीलिए जो है मैं आज अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर भी जा रही हूँ, और इंशाल्लाह जब आप देखेंगे, जब मैं आऊँगी, तो फिर आपको पूरी इसकी ट्रेनिंग दे दूँगी कि किस तरीके से आपने एक ईद ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर 26 है। ठीक है, और उससे पहले जितने भी आपने लेक्चर देखे उनमें आपने सीखा, वो बहुत प्री बेसिक था, और मकसद ये था कि आपको फ़ोटोशॉप के स्टार्ट एंड लर्न तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको सिखाया जाए। ठीक है, तो अब आप इस कैपेबल हो गए हैं कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम बड़ी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ना सिर्फ ये कि सिर्फ एक प्री बेसिक डिज़ाइनिंग बताई जाएगी, बल्कि लाइटनिंग इफेक्ट के बारे में भी बहुत ज़बरदस्त सी मैं टेक्निक सिखाऊंगी। और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और आपने मुझसे ये वादा लेना है कि आपने मेरी, ना सिर्फ ये कि मेरी हर वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, जो बल्कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो मेरी तरह काम कर रहे हैं और जो मतलब ये कि ट्रेनिंग सीरीज़ बना रहे हैं, मेहनत से बना रहे हैं, उनकी वीडियोस को ना सिर्फ ये कि आप शुरू से आखिर तक देखेंगे यूट्यूब के इंटरफेस पर, बल्कि उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और उनको अच्छे कॉमेंट्स भी देंगे, ताकि उससे उनकी इनकरेजिंग हो और वो आगे बढ़ने का मौका मिले। सिर्फ मेरे नहीं, सबके देखना है आपने। ठीक है, ये आपने मुझसे वादा लेना है। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर नंबर 26 की तरफ, और मैं लेकर चलती हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी, वेलकम बैक इंटू क्लास नंबर 26। इस क्लास में हम ईद ग्रीटिंग कार्ड बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इंटरनेट से मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि देखिए, ये आप देख रहे होंगे मस्जिद के कुछ मीनारे बने हुए हैं या मस्जिद के कुछ इमेजेस हैं, तो ये हम विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल एंड विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है, इन दोनों की मदद से हम ये मस्जिद का पूरा मीनारा और ये इमेज बनाएंगे। ठीक है, यानी मस्जिद का जो पूरा इमेज बना हुआ है ये हम दो टूल्स की मदद से फ़ोटोशॉप में बनाएंगे। मकसद इस टास्क का यही है, इस क्लास का, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ोटोशॉप के टूल पर ग्रिप सिखाई जाए। ठीक है, और इस पर ग्रिप आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब फाइल में न्यू पे जाकर मैं अपना डॉक्यूमेंट एरिया सेट करूँगी। अमूमन अगर हम A4 साइज़ में भी कोई इमेज बनाते हैं तो वो हमारे फेसबुक के पेज में भी एज अ पोस्ट वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं A4 साइज़ में ही बना रही हूँ, आप किसी भी साइज़ में ये इमेज बना सकते हैं, और मैंने एक पूरी क्लास इस बारे में की है कि किस तरीके से आप फ़ोटोशॉप में डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो शुरू की क्लासों में ये पूरा मेथड बताया, आप उस क्लास को देखिए। ठीक है, 72 रेजोल्यूशन पर मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये इमेज मैं वेब के लिए बना रही हूँ, प्रिंट के लिए नहीं बना रही। ठीक है, यहाँ से मैंने अपने डॉक्यूमेंट को नाम दिया, आप जो भी चाहें नाम दे सकते हैं और ओके कर देंगे। ठीक है, तो हम एक न्यू वर्क एरिया पर आ गए, इस पर हम अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड को कलर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करूँगी,
ग्रेडियंट आपको पता होगा, ग्रेडियंट पर भी मैंने पूरी एक क्लास की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेडियंट कर्व में हम एक नया ग्रेडियंट किस तरीके से बना सकते हैं और उसको परमानेंटली सेव किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ ग्रेडियंट स्टॉपर है, इस पर डबल क्लिक करने से ये ग्रेडियंट एडिटर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है वो स्टॉपर्स हैं, इस पर हम क्लिक करके इसमें कलर को जो है वो सिलेक्शन देकर हम किसी भी कलर में ग्रेडियंट बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये इमेज मैं चाह रही हूँ, ये वाला जो कलर है ये मैं बनाऊँ ग्रेडियंट का, तो इसमें मैं क्या करूँगी कि ग्रेडियंट टूल पर मैं जाऊँगी, इसके स्टॉपर पे जाऊँगी, इसकी ऑप्शन के ऊपर जो स्टॉपर है उस पर जब मैं डबल क्लिक करूँगी, ग्रेडियंट एडिटर को ओपन करके मैं इसके स्टॉपर पर क्लिक करके और ये जो है सिलेक्शन लूँगी कलर की, और यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे मैंने जो मेरा माउस कर्सर है वो इसमें आ गया है, आई ड्रॉपर की शेप में आ गया। ठीक है, मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया, तो आप देखें एक स्टॉपर पे ये कलर जो है मेरा आ गया है। ठीक है, अब सेकंड स्टॉपर पे मैं क्लिक करूँगी सेंटर में जो है क्लिक करके और ओके कर दूँगी। इस तरह से मैं थर्ड कलर की सिलेक्शन जो है वो किसी भी आप किसी भी ग्राफिक्स से लेके बड़े आराम से इस तरह के लीनियर रेडियल हर तरह के ग्रेडियंट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो ग्रेडियंट की क्लास को आप बाकायदा देखें तो आपका ग्रेडियंट टूल पर भी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने वर्क एरिया में आएंगे और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रेडियंट को। आप जिस भी एंगल में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हर तरीके से अलग तरीके से हर उसमें अलग तरीके से ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, अब ये देखें हमारा जो है सिमिलर ग्रेडियंट उस जो इमेज जैसा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड टास्क ये करेंगे कि जो मस्जिद का इमेज है वो हम बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें कोई दूसरा ग्रेडियंट बनाना है तो ये मैंने दूसरा इमेज ओपन किया है। ठीक है, मैं एक लाइट और एक डार्क दोनों किस्म के उस पर आपको इफेक्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि आगे मैं इसमें जो है वो लाइटनिंग इफेक्ट भी आपको सिखाऊंगी। उसके लिए हमारा जो इमेज है उसका बैकग्राउंड कलर डार्क होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक डार्क और एक लाइट दोनों ग्रेडियंट आपको बनाना बता रही हूँ। ठीक है, अभी हमने लाइट ग्रेडियंट बना लिया है, सही है। अब यहाँ पर हम जो है वो अपने मस्जिद के मीनार बनाने का अमल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल एंड रेक्टेंगुलर मार्की एंड राउंडेड रेक्टेंगल टूल, हम इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद का इमेज जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब हमें अगर लेट सपोज इस ग्रेडियंट को हमेशा के लिए अपनी डायरेक्टरी में सेव करना है तो हम ग्रेडियंट एडिटर को ओपन करके सेव की कमांड पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपने ग्रेडियंट को कोई भी नाम दे सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रेडियंट हम बनाते हैं वो टेम्पररी ग्रेडियंट आता है और वो परमानेंट बुनियादों पर सेव नहीं होता। परमानेंटली उसको सेव करने के लिए उसको नाम देकर सेव किया जाता है। ठीक है, तो ये GDR की एक फाइल में सेव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ग्रेडियंट एडिटर पे आ जाएगा, लेकिन ये टेम्पररी आएगा, यानी कि कुछ टाइम के लिए आएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट को परमानेंटली सेव करना भी और न्यू बना करके बनाना बनाने का दोनों तरीका मैंने आपको इस क्लास में सिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप दुनिया भर के ग्रेडियंट जो है वो बना सकते हैं इन इस मेथड को लेके, सही है। अब यहाँ पर हम क्या मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो इमेज है इसका जो मीनार है इसको हम एज अ ट्रेसिंग इमेज यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो इमेज का बकिया हिस्सा यानी कि जो उसका कलर फिल है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने टूल्स की मदद से, फोटोशॉप की टूल की मदद से इसका जो कलर है वो फिल वो हटा दिया है। ठीक है, और मैं अब इरेजर टूल से बकिया जो जो फिल है उसको मैं मिटा रही हूँ, और मकसद क्या है, मुझे सिर्फ ये जो मस्जिद का मीनारा है उसका इमेज चाहिए और मैं इसको एक लेयर पर रखकर इसके ऊपर जो है एक नई लेयर लूँगी और विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल एंड रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैं इसको ड्रॉ करना बताऊँगी आपको। ठीक है, अब देखें ये जो है ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, अभी इसको मैं एक मखसूस जगह पर प्लेस कर दूंगी जहाँ पर मैं इसको बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया नीचे की तरफ और यहाँ पर एक नई लेयर लेकर मैं इस पर अब अपना वर्किंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस से मैंने जूम इन कर दिया ताकि आपको और अच्छे तरीके से नज़र आए। ठीक है, ये अब आप देख रहे होंगे मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया ऊपर से वर्क एरिया को। अब ये देखना है आपने कि जहाँ पे राउंड हो रहा हो आपका मीनारा तो वहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर एलिप्टिकल मार्की का यूज़ करना, और जहाँ पे स्क्वायर में आ रहा हो तो वहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो
ऐड टू सिलेक्शन पे बाकायदा क्लिक रखना है अपने इमेज को, ताकि सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन बनती रहे। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन जो ऑप्शन बार में सेकंड बटन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है, ताकि इसके अंदर मज़ीद सिलेक्शन बनती रहे और हमारा पूरा मीनारा जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा जो मीनार है वो राउंड सर्कल में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको राउंड सर्कल पे क्लिक कर दूंगी। और ये ऑप्शन इसलिए आया है क्योंकि फीदर जो है वो 20 हमने रखा था चांद की वजह से। ठीक है, फीदर को ये बात ध्यान में रखिएगा कि फीदर को आपने ज़ीरो पे रखना है, तब जाकर जो है आपने स्टार्ट लेना है मीनारा बनाना। ठीक है, फीदर को आपने ज़ीरो पिक्सल पे रखना है, फीदर हरगिज़ नहीं रखना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमने फीदर को सेट कर दिया ज़ीरो पर, और अब हम यहाँ पर दोबारा से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ मैं स्क्वायर का इस्तेमाल करूँगी, और जहाँ पर सर्कल है वहाँ पर मैं एलिप्टिकल मार्की टूल का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर आप देखें नीचे जो है वो मुझे नीड है सर्कुलर की, रेक्टेंगुलर की, तो मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यहाँ से देखें मैंने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर मार्की टूल को, ये देख रहे होंगे आप, और यहाँ से जो है मैं रेक्टेंगुलर का को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट करके और ड्रैग करूँगी, इसके अंदर जो है वो सिलेक्शन चली जाएगी और हमारा पूरा एक मीनारा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपने जो है वो इस तरह से इंटरनेट से आप मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस को लें और उसका जो है कलर फिल हटा कर आप फिर उसको एज अ ट्रेसिंग इमेज रख के आप इन दो टूल्स की मदद से ये प्रैक्टिस करें तो आप बहुत बेहतरीन किस्म के इमेजेस, मसाजिद के इमेजेस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपको होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत जूम करके और बाकायदा आपको ये तमाम चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी जो है वो एक मीनारा तैयार कर रहे हैं, कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी पूरी जो नंबर वन जो हमने मीनारा बनाया है ये पूरी उसकी सिलेक्शन तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। हमने न्यू लेयर लेकर इस पर हम ऑल्ट एंड बैक स्पेस से जो भी कलर हम देना चाहते हैं हम सॉलिड कलर दे देंगे। ठीक है, चाहे तो ग्रेडियंट भी दे दें लेकिन ग्रेडियंट इतना मुनासिब नहीं लगेगा। ठीक है, मैं नीचे की लेयर को अनविजिबल करके आपको दिखा रही हूँ कि हमने क्या टास्क परफॉर्म करनी है, मकसद आपको अच्छे से सिखाना है। ठीक है, अब आप देखें ये हमारा एक मीनारा जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, हमने सिलेक्शन को गायब नहीं करना है, यही मीनारा हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना है। ठीक है, मैं अब जो है वो माउस का अपने जो कीबोर्ड है उसका लेफ्ट एरो की प्रेस करके मुसलसल प्रेस रखे हुए हूँ ताकि ये जो मेरी सिलेक्शन है वो लेफ्ट साइड पर जाए। ठीक है, मैंने जस्ट प्रेस रखा हुआ है इसको और ये किनारे पर मैं ला के अब इसमें ऑल्ट एंड बैक स्पेस से मैं इसमें कलर फिल कर दूंगी, तो ये एक मीनार की लेयर से दूसरा मीनारा बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यही टास्क रखना है, यानी कि कंट्रोल डी से डिसलेक्ट नहीं करना है, पूरे मीनारे की सिलेक्शन बना के फिर उस मीनारे की सिलेक्शन को आपने ड्रैग करना है माउस के लेफ्ट बटन, ये आप देख रहे होंगे कि मैं ये यहाँ पर सामने आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में चार एरो कीज़ होते हैं, इसमें ये लेफ़्ट एरो की है। ठीक है, लेफ़्ट एरो की को मुसलसल मैंने प्रेस रखा हुआ है और ये माउस की मेरे जो ये सिलेक्शन है ये गई है लेफ्ट साइड पर और फिर मैंने ऑल्ट एंड बैक स्पेसेस पे कलर फिल कर दिया, तो ये मेरे दो मीनारे तैयार हो गए। ठीक है, अब ये जो सेंटर का पार्ट है ये हमने तैयार करना है। ठीक है, सेंटर का पार्ट भी हम सेम इसी टूल की मदद से, इन दोनों टूल्स की मदद से तैयार करेंगे। ठीक है, अब ये जल्दी जल्दी मैं आपको करके बताती हूँ, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो YouTube का नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसमें मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं सेम इसी टेक्निक से जो नीचे का बकिया मस्जिद का इमेज है वो भी मैं तैयार कर रही हूँ। जी, इसी टेक्निक को सामने रखते हुए अब आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे की तरफ जो है ये जो नीचे के जो छोटे छोटे मीनारे हैं ये इमेज मैं बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर मार्की एंड राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जहाँ पे आप मुझे लग रहा है कि रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करना है वहाँ मैं रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, रेक्टेंगल मार्की का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जहाँ मीनार जो है वो राउंड में है वहाँ मैं एलिप मार्की टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो सिलेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए जहाँ जो है वो नोकीला है
इमेज वहाँ पर मैं ड्रैग भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं बहुत अपने वर्क एरिया को जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये बड़ा मीनारा है, ठीक है। अगर इसकी सिलेक्शन बाहर भी जा रही है बैकग्राउंड से तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने जो है वो सिलेक्शन इस तरह की लगानी है कि बिल्कुल इसकी इक्वली आए, और कहीं से अगर लेफ्ट या राइट से ये थोड़ी सी आगे पीछे भी हो रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, हमने इसको बस एक इमेज के तौर पर तैयार करना है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से बाज़ोकात अपने माइंडसेट को इस्तेमाल करते हुए भी हम इस किस्म के इमेजेस को बनाएंगे, और देखेंगे आप देखिएगा कि हर दफ़ा एक अलग चीज़ बनेगी और बिल्कुल यूनिक चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये ज़रूर थोड़ा टाइम टेकेंगे, इसलिए मैं वीडियो को ज़रा सा स्पीड करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये तकरीबन हमने जो मीनार का इमेज है, जो मस्जिद का इमेज है, वो हम इस तरीके से इस टेक्निक के ज़रिए से रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे चांद बनाने हैं, ठीक है ना। तो चांद बनाने के भी जो टेक्निक है, जो मैं ऊपर बड़ा चांद बनाऊंगी, सेम उसी तरीके से आपने उस टेक्निक को फॉलोअप करना है, सही है। और ये देखें, हमने जो है ये तकरीबन ये सिलेक्शन बन गई है। अब नई लेयर पर हम ऑल्ट एंड बैक स्पेसेस पे वाइट कलर कर देंगे और नई लेयर पर ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ये इमेज है ये रेडी हो गया है, ठीक है। तो अब जब आप इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में सफाई आती चली जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये इमेज जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। अब जो जिस ट्रेसिंग इमेज को मैंने एज अ ट्रेसिंग रखा था, जिस इमेज को, उसको मैं अनविजिबल कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपने इमेज को सेट कर दूंगी अपने बैकग्राउंड के लिहाज से, ठीक है। अब ये तकरीबन ये इमेज हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नई लेयर पर चांद बनाएंगे, ठीक है। चांद बनाने के लिए हम एलिप्टिकल मार्कर टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसमें सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक मज़ीद जो है वो राउंड लगा देंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हम कलर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसमें ब्लर इफेक्ट लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल पर अपना जो वो है रखेंगे। लेकिन क्योंकि हम ये छोटे चांद बना रहे हैं तो इसीलिए हमने इसको सिंपल रखा है, ठीक है। इसमें फीदर नहीं दिया है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे चांद हैं ये हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। कंट्रोल जिससे कॉपियां लेंगे इसकी, और जो है जहां पर हमें लग रहा है कि ये मून होना चाहिए, ये मून का जो वो है इमेज है होना चाहिए, वहां हम कंट्रोल जैसे इसको लगा देंगे, ठीक है। और कंट्रोल डी से इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको पोजीशन देंगे, ठीक है। अब ये ऊपर के मीनारों पे भी हम चांद लगा देंगे, ठीक है। ये इसी इमेज को कंट्रोल जे करके इसी लेयर को, और ये जो है ये मून का जो छोटा सा हमने बनाया है ये हम इसके ऊपर भी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट ये डन हो गया है ये इमेज, ठीक है। अब फिट ऑन स्क्रीन करके आप देखें इस तरह का हमारा जो है वो इमेज रेडी हो गया, ठीक है। ये हमने जस्ट एक बैकग्राउंड बनाया है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हम मुख्तलिफ और एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, जैसे कि चांद। ईद का चांद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इस किस्म के इमेज में होता है। तो ईद का चांद बनाने के लिए और उसमें खूबसूरत सा लाइटनिंग इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई लेयर पर जाएंगे, ठीक है। एक नई लेयर हमने लेनी है और इसमें हम पहले फीदर को सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर जो ग्रेडियंट है उसको चेंज किया है, क्योंकि मैं आपको अभी आगे जाकर लाइटनिंग इफेक्ट सिखाऊंगी, ठीक है। तो लाइटनिंग इफेक्ट उसी सूरत में अच्छा लगेगा जब बैकग्राउंड डार्क कलर का हो, तो मैंने इसमें डार्क ग्रेडियंट का यूज़ किया है। और मैं आपको तकरीबन तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ कि ग्रेडियंट को आपने कैसे चेंज करना है, आप उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बल्कि आपकी सहूलत के लिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने ग्रेडियंट किस तरीके से चेंज किया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैं ग्रेडियंट लेयर पर मौजूद हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी ग्रेडियंट टूल को, देख लें ये आप देख रहे होंगे ग्रेडियंट टूल पर मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर जो है ऑप्शन बार पे मैंने ग्रेडियंट पे डबल क्लिक किया, ठीक है। ग्रेडियंट का जो ऊपर का एरिया है इस पर मैंने डबल क्लिक किया और आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्रेडियंट इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्क है, इस पर जो मैं आपको लाइटनिंग इफेक्ट सिखाऊंगी तो ये ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा, ठीक है। ये मकसद है मेरा ये ग्रेडियंट चेंज करने का। अब यहाँ पर हम जो है वो एक लेयर लेंगे, ठीक है। मैं आपको चांद बनाना बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पर हम एलिप्टिकल मार्कर टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चांद बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक नई लेयर को पे हम अपने लेयर पैनल पे से एक नई लेयर लेंगे, ठीक है। एलिप्टिकल मार्कर टूल से आप देख रहे होंगे मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग किया और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर एक मज़ीद सिलेक्शन बनाएंगे राउंडेड, ठीक है। दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख रहे होंगे ये चांद का इफेक्ट आ गया है, ठीक है। और
फिल कलर को हमने व्हाइट रखना है, ऑल्ट एंड बैकस्पेस से हमने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फीदर को हमने पहले से 40 पे या 20 पर रखना है, ठीक है। तो आप देखें चांद का इफेक्ट आ गया है, ठीक है। और ये बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आया है। अब इसमें मज़ीद टेक्स्चर दिखाने के लिए, चांद का टेक्स्चर दिखाने के लिए मैं गूगल पर, आप देखें मैंने सर्च किया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि ये एक मुझे मून का इफेक्ट अच्छा लग रहा है। मैंने इसको सेव करके मैं यहाँ पर ओपन की कमांड से ले आऊँगी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो इमेज है मैं इसको ले आई हूँ अपने वर्क एरिया में, ठीक है। अब इसको मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करूँगी और सिर्फ जो ये टेक्सचर वाला राउंड है इसको मैं लेकर आऊँगी, ठीक है, मून के इफेक्ट को इस पर लाने के लिए, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे कि मैंने ये इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी, ठीक है। और इसका जो है जो ये स्क्वायर वाइट है, वाइट फिल है, इसको मैं रिमूव करूँगी। उसके लिए मैं एलिप्टिकल मार्की टूल को इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो कई तरीक़ों से हम इमेज को कट से बैकग्राउंड को कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये राउंड है तो इसीलिए मैं जल्दी मुझे करना है और मैं जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल टूल का मार्की टूल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा लेयर आ रही है इसको मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। ये जो लेयर है ये एक्स्ट्रा लेयर पर ये इसका फिल है, ठीक है। इस लेयर को मैं रिमूव कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और चांद जो मून है इसको मैं ऊपर ले आऊँगी, ठीक है। अब मेरा जो चांद है ये दो लेयर्स पर है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को, जो टेक्स्चर मून है इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे, तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा चांद का इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि आप अपने हिसाब से इसमें टेक्स्चर लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल रियल इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप इसमें जो है ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे जो समझ आ रहा है मैं उस हिसाब से अपने इमेज में ये इसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। और इन दो लेयर्स को अब मैं मर्ज कर लूँगी ताकि दोनों लेयर्स पर जो मेरा चांद है वो एक ही लेयर पर आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, तमाम एक्स्ट्रा लेयर्स को मैंने अनविजिबल कर दिया है इसके आई आइकॉन पर क्लिक करके, ठीक है। माउस का लेफ्ट बटन से मैंने आइकॉन पर क्लिक किया है और तमाम लेयर्स को मैंने अनविजिबल कर दिया, सिर्फ दो लेयर को मैंने विजिबल किया है और लेयर पर जाके मर्ज विजिबल पर मैं क्लिक कर रही हूँ, तो मेरा ये जो चांद है ये एक लेयर पर आ गया है, ठीक है। अब कंट्रोल टी से इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूंगी, ठीक है, और अपने हिसाब से जो है इसको मैं पोजीशन दे दूंगी, ठीक है। अब देखें ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये तकरीबन तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम मजीद एलिमेंट्स को लेकर आएंगे ताकि हमारा इमेज जो है और खूबसूरत बने। अभी आप देख रहे होंगे मैंने कुछ अपने वर्क एरिया में कुछ इमेजेस को ओपन किया है, बंडिंग्स का कुछ इमेज मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे इमेजेस हैं, इनको इनकी हेल्प से मैं जो है वो एक खूबसूरत सा इमेज बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लाइटनिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। लाइटनिंग इफेक्ट किस तरीके से एक बहुत सिंपल टेक्निक के ज़रिए से हम इस किस्म के इमेजेस में ला सकते हैं, उसकी टास्क मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ, ठीक है। इसके लिए अब आप देख रहे होंगे मैंने चांद तो मैं ले आई हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये आप देख रहे होंगे बल्ब का इफेक्ट है, बल्ब का ये इमेज है, ये अलग से मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगी, ठीक है, और इस पर मैं कुछ लाइटनिंग लेकर आऊँगी, ठीक है, कि बल्ब में भी लाइटनिंग आपको नज़र आए और चांद के ऊपर भी नज़र आए, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि ईद मुबारक के इस तरह के जो इमेजेस होते हैं रमज़ान मुबारक के और ईद मुबारक के, उसमें जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो इसमें आपको नज़र आ रहा है, इसको तो बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने रिमूव कर दिया, इस लेयर में थोड़ा सा फिल कलर आपको नज़र आ रहा था, ठीक है, वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसको मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगी, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मकसद आपको सिखाना है इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि एक सॉलिड कलर लेयर मैं ले रही हूँ, ठीक है। सॉलिड लेयर जो है ये आप देख रहे होंगे कि न्यू लेयर के बराबर में ये बटन है, ठीक है। सॉलिड पर हमने जाना है और इसको जो है इस कलर को हमने ब्लैक कर देना है, ठीक है। ब्लैक करना ज़रूरी है, वाइट पर आपने ये काम नहीं करना है, और लेयर का जो मोड है वो आपने कलर डॉज कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको लाइटनिंग बता रही हूँ कि इस बैकग्राउंड पर हमने लाइटनिंग किस तरह देनी है, ठीक है। ये कलर डॉज हो गया, दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक सॉलिड कलर लेयर है जिसका मोड कलर डॉज है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इस लेयर पर रहते हुए हम जो है खूबसूरत सा लाइटनिंग इफेक्ट इस बैकग्राउंड में लेकर आएंगे। इसके लिए मैं ब्रश टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्रश जो है वो आपने ब्लर ब्रश का इस्तेमाल करना है। आप देख रहे होंगे कुछ सॉलिड ब्रशेज होते हैं और कुछ ब्लर होते हैं, ठीक है। ब्रश पर भी इंशाल्लाह बाकायदा एक क्लास हम करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने लिया तो आप देख रहे होंगे कि इसमें रेस्टराइज का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो आपकी लेयर जो है वो रेस्टराइज हो जाएगी और इस पर फिर ब्रश अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें मैं क्लिक कर रही हूँ, देखिए मैंने ब्रश से क्लिक किया, माउस का लेफ्ट बटन से जस्ट हमने क्लिक किया, तो आप देखें कितना खूबसूरत सा लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है,
ठीक है। और ये बहुत सिंपल वे में मैंने किया है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि सिर्फ कलर डॉज का लेयर का कमाल है ये, ठीक है। अब देखें जहाँ जहाँ मुझे ये इफ़ेक्ट चाहिए मैं इस इफ़ेक्ट को अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आप जिस तरह से भी चाहें ये लाइटनिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं और अपने इमेजेस को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने आपको लाइटनिंग का बता दिया, बहुत आसान सी ये टेक्निक है, इसको आप इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस बनाएं और उसमें आप करें। जितना ज़्यादा फ़ोटोशॉप पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और मैं आपको इमेज बनाना बता रही हूँ, ठीक है। ये इस क्लास का मकसद आपको रमज़ान मुबारक और ईद मुबारक के इमेजेस का आइडिया देना है कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरे पास कुछ बंटिंग के इमेजेस हैं, ठीक है। इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैजिक वैंड, ठीक है। मैजिक वैंड से मैंने जस्ट क्लिक किया और ये तमाम बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको मैं PNG में हमारा इमेज हो गया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और अपने वर्क एरिया में इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बंटिंग्स जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से प्लेस कर देंगे जहाँ हमें नीड, ठीक है। मस्जिद के इमेज को फिलहाल मैं अनविजिबल कर रही हूँ, मैं एक दूसरा इमेज आपको तैयार करके बता रही हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल जैसे मैंने इसकी दो कॉपियाँ, ठीक है, और आप देख रहे होंगे कहीं कहीं आपको वाइट इफेक्ट नज़र आ रहा है, तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ मैजिक वैंड टूल मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। ताकि क्योंकि इस किस्म के इमेजेस को बनाने में बैकग्राउंड को रिमूव करने में बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये लाइटिंग बल्ब लाइटिंग का इमेज है, ठीक है, ये मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। ये इमेज मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इस किस्म के इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के फेस्टिवल इमेजेस आप बना सकते हैं और ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। ये जो क्लास है ये आपकी एक स्पेशल क्लास है कि इसमें रमज़ान का और ईद का आपने किस तरीके से इमेजेस को बनाना है, और इसे मेरी तमाम वीडियोस को आपने शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मैं इस किस्म की वीडियोस को बनाने में सिर्फ बनाने में नहीं बल्कि एडिटिंग में भी, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने दूसरा इमेज लिया है, इसमें जो है कुछ वैक्टर बड़े मज़ेदार किस्म के खाने, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रही हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये समझे कि रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़ जो होती हैं तो उसका ये इमेज मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितना मज़ेदार सा ये इमेज लग रहा है, ठीक है। ऊपर जो है वो इसमें हमने ये एक फेस्टिवल का जो इमेज आप कह सकते हैं कि ये इमेज मैं रेडी कर रही हूँ। अब ये जैसे अफ्तार पार्टी होती है उसमें भी आप ये पोस्ट में ये लगा सकते हैं कि मेरे घर में अफ्तार पार्टी है और आप सबको जो है वो मैं दावत दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह के जो इमेजेस हैं वो बनते हैं, आप ये सोशल मीडिया पर इस तरीके के इमेजेस बना सकते हैं। अच्छा, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था एक क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया था तो लोगों ने बड़ा पसंद किया था, ठीक है। तो कोशिश तो मेरी यही है कि मैं अपने तमाम आइडियाज़ आपसे शेयर करूं ताकि आप भी सीखें और अच्छे से काम करें, ठीक है। तो ये मैं एक्स्ट्रा इमेजेस को मैं हटा रही हूं, बंद कर रही हूं। क्लास का तकरीबन हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे बड़ा खूबसूरत सा वैक्टर है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करूँगी, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगी, ठीक है, और कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँगी, ठीक है। इसमें ईद मुबारक लिखा हुआ है, आप जहाँ चाहें आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर रमज़ान मुबारक है तो इस तरह के इमेजेस आपको इंटरनेट पर बड़े आराम से मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि फ्री इमेजेस को यूज़ करें, कॉपीराइट जिन इमेजेस का कॉपीराइट हो उनको इस्तेमाल हरगिज़ ना करें बल्कि उनको खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करके इस पर जो है वो मैं अब लेयर स्टाइल दे रही हूँ, ठीक है। लेयर स्टाइल से भी हम अपने इमेज के एलिमेंट्स पर बहुत खूबसूरत स्टाइल्स दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ड्रॉप शेडो मैंने दिया है तो आप देखें इसका जो और ड्रॉप शेडो और ग्लो का इफेक्ट दिया है तो आप देखें कि कितना खूबसूरत सा ये इमेज हो गया और प्रोमिनेंट भी हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने इस पर अगर कोई उर्दू टेक्स्ट लिखना है तो उर्दू टेक्स्ट ईद मुबारक मेरे पास मौजूद है PNG की सूरत में, ठीक है। क्योंकि लिखने का अभी टाइम नहीं है, क्लास ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे और पेन टूल के ज़रिए से इस किस्म के इमेजेस को हम बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। पेन टूल पर स्पेशल क्लास बहुत जल्द आने वाली है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये मैं अब आपको फाइनली इस क्लास को फाइनली एंड की तरफ लेकर जा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी ये क्लास हो गई है, ठीक है। ईद मुबारक मैं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास PNG है, ठीक है। इसको इस किस्म के इमेजेस को भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह स्पेशल क्लास इस सिलसिले में रखेंगे और आपको बनाना भी बताएंगे, ठीक है। ये ईद मुबारक उर्दू में लिखा हुआ है,
ठीक है, इसको कंट्रोल टी से मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करूँगी और इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको दो टास्क सिखाई हैं, ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक के इमेजेस आप किस तरीके से बना सकते हैं। इसे एक क्लास में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, और आप इससे हटकर और बहुत खूबसूरत सा इमेज बनाएं और पोस्ट मेल शेयर करें, अपना जो बिज़नेस कर रहे हैं आप उसमें ईद मुबारक के तौर पर उसको शेयर करें। इंशाल्लाह अच्छा ही आप बनाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी फ्री जो है वो वेक्टर्स मौजूद हैं इस हवाले से, ठीक है, तो फ्री वेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसका फिल कलर जो है वो चेंज कर दिया है, लेयर स्टाइल के ज़रिए से इसका जो कलर है वो मैंने वाइट कर दिया है और इस पर मैंने ड्रॉप शेडो का इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, कलर ओवरले से इसका कलर मैंने वाइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इस क्लास का एंड हो रहा है, ठीक है, और इमेज भी हमारा रेडी हो गया है। इस क्लास में मैंने आपको दो इमेजेस बनाना बताए हैं, दो डिफरेंट किस्म के इमेजेस बनाना बताएं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, मेरी हर वीडियो का आपने शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, और पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी करना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत बहुत मेहनत आप यकीन करें मैं करती हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों से जो कि फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिए इन वीडियोस को उनसे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो किसी एक्सपेंसिव इदारे में सीख सकें, ठीक है। यही इससे यही टेक्निक्स वहाँ सिखाई जाती है और यही टेक्निक्स मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।